बच्चों, मैं मीनू गर्ग फिर से एक बार आपके बीच उपस्थित हूँ व्याकरण का एक पाठ लेकर, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आप शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे और शब्द विचार का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो, वह समूह शब्द कहलाता है, जैसे लड़का, लड़की आदि। इसके अलावा और भी बहुत से शब्द हैं, पतंग, मेज, कुर्सी, कलम, गमला, बोतल, कुछ भी शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाएगा। लेकिन जिसका कोई कुछ अर्थ ही नहीं होगा वो शब्द नहीं होता। इस प्रकार से शब्द हम उन्हीं को कहेंगे जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब हम शब्द विचार का वर्गीकरण देखते हैं। शब्द विचार का जो वर्गीकरण है वो चार आधार पर किया जा सकता है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर। नंबर दो, बनावट या रचना के आधार पर। नंबर तीन, प्रयोग के आधार पर। और नंबर चार, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर देखेंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनमें कोई ना कोई जिनका अर्थ निकलता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे गुलाब, आदमी, विषय, कुर्सी, मेज, पलंग, छत, घर आदि। और निरर्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकल रहा हो, जो अर्थहीन होते हैं, वो निरर्थक शब्द होते हैं, जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं जैसे पानी, वानी, मुक्का, वुक्का, घास, वास। तो ये जो बाद में बोले गए शब्द हैं, जैसे घास के बाद बोला वास, पानी के बाद बोला वानी, तो ये वाले शब्द निरर्थक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, केवल ये शब्द के साथ ऐसे ही बोल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपके सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द हो गए। इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देखते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे जल, कल, जप आदि। अगर अब हम इन शब्दों के टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे जल है, अगर हमने ज और ल को अलग अलग कर दिया तो दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा गया है। ये अपने आप में इनका अर्थ रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। इस प्रकार आगे देखते हैं, यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड भी सार्थक होते हैं, अर्थात अगर हम इनके टुकड़े करें तो उनका भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है, जैसे स्वदेश, देवालय, कुपुत्र। अब देखो, स्वदेश को हम अलग अलग करते देखते हैं, इसके खंड करते हैं स्व प्लस देश, तो स्व का अर्थ हुआ अपना और देश का अर्थ है देश, यानी कि अपना देश। देवालय, देव प्लस आलय, अर्थात देवताओं का घर या देवताओं का मंदिर उसको, तो दोनों ही खंडों का कोई ना कोई अर्थ हुआ, इसीलिए ये यौगिक शब्द कहलाए। इसके बाद है योग रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से तो बने हों पर बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, वे शब्द योग रूढ़ शब्द
कहलाते हैं, जैसे दशानन, दसमुख वाला अर्थात रावण, पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। यहाँ पर एक तीसरे ही पद का निर्माण हो रहा है, जैसे दसमुख वाला अर्थात रावण, तो ये तीसरा पद हुआ, मतलब एक विशेष अर्थ का बोध हुआ यहाँ पर। पंकज, तो पंकज का हुआ जैसे कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, एक विशेष अर्थ हुआ। तो जिन शब्दों से कोई विशेष अर्थ निकलता हो उसको योगरूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नीलकंठ, गजानन, ये शब्द योगरूढ़ शब्द होते हैं। इस प्रकार हमारे रचना के आधार पर तीन भेद हो गए, ये समझ में आ गए बच्चों आपको, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। इसके बाद देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यह है लिंग के अनुसार, जैसे बच्चा पढ़ता है, लेकिन हम इसका जैसे लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्ची पढ़ती है। बच्चा सोता है, वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चे सोते हैं। कारक के अनुसार बच्चा सोता है तो बच्चे को सोने दो। इस प्रकार जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि बच्चा, बच्चे का लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है, अतः यह विकारी शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है वो शब्द विकारी होते हैं। और अविकारी कौन से होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता वो शब्द अविकारी होते हैं, जैसे धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक, ये शब्द अविकारी होते हैं। हम चाहे कोई वचन बदलें, लिंग बदलें, इन पर, इन शब्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनमें परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर विकारी और विकारी समझ में आ गए होंगे बच्चों आपको। इसके बाद आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि। इनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है और ये ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसीलिए ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हैं, ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, दुग्ध का क्या हो गया, दूध, अग्नि, आग, कार्य, काम, कर्पूर, कपूर, हस्त, हाथ। तो जो ये बदले हुए रूप हैं, ये बदले हुए रूप हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, इसीलिए ये तद्भव शब्द बन गए हैं। अब है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पेट, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी आदि। ये भारत की अनेक विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, इसीलिए ये देशज शब्द है, अर्थात देशी शब्द भी इनको कहा जाता है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बदलकर बनकर प्रचलित हो गए हैं, ये अब हिंदी में आ गए हैं, अतः यह देशज शब्द कहलाएंगे। आगे देखते हैं विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। ये विदेशी शब्द उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक आदि भाषाओं से आए हैं। विदेशी शब्दों के उदाहरण निम्न हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से कौन से शब्द आ गए हैं, उसके कुछ उदाहरण हैं, वैसे तो बहुत सारे शब्द आ गए हैं, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन,
सिगरेट, साइकिल आदि, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। फारसी, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ़, रुमाल, आदमी, चुगलखोर आदि। अरबी भाषा के शब्द औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फ़कीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक, गरीब आदि। तुर्की, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर। पुर्तगाली भाषा से जो शब्द आए हैं अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज आदि। फ्रांसीसी भाषा से जो शब्द आए हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल आदि। इस प्रकार ये हमें सुनने में ऐसे लगते हैं जैसे ये हिंदी भाषा के शब्द हों, लेकिन ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन वो हिंदी में इतने प्रचलित हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी के शब्द हैं या अन्य भाषाओं के शब्द हैं। इस प्रकार आज हमने शब्द के बारे में पढ़ा और उसके वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ा है। आशा है बच्चों आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।